प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बारिश का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन जैसा सुजानपुर में तूफान व बारिश ने कहर ढाया, शायद ऐसा लोग अपने सपने भी ना चाहें। सुजानपुर में तूफान ने कहर बरपाया है। तूफान के चलते 2 दर्जन के करीब पेड़ गिर गए हैं। पेड़ गिरने से बिजली की तारें टूट गई हैं, जिससे पूरे बाजार में बत्ती भी गुल हो गई है। वहीं हमीरपुर में भी शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई है। हमीरपुर बस अड्डे पर सोमवार देर शाम उस समय जाम की स्थिति पैदा हो गई, जब लोकल सवारियों को बसों में नहीं बैठाने के कारण बस ऑपरेटरों के खिलाफ एक महिला का गुस्सा सामने आया। शाम करीब 5:30 बजे एक अकेली महिला ने बस के आगे खड़े होकर चक्का जाम तक कर दिया। महिला को परेशान देखकर बस अड्डे के समीप लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आम लोगों का कसूर क्या है, लोकल सवारियां कैसे सफर करें। इस मौके पर महिला ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई। आपको बता दें कि चक्का जाम के चलते जिला मुख्यालय में करीब 1.25 घंटे तक बस स्टैंड के दोनों तरफ हमीरपुर शिमला और हमीरपुर धर्मशाला मुख्य मार्ग पर 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 1 घंटे जाम लगने से भारी गर्मी में लंबे रूटों में बसों में सवारी करने वाले यात्रियों को भी परेशानी हुई। वहीं महिला का आरोप था कि महिला को बार बार बसों से उतारा जा रहा था और उसे अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए ना की जा रही थी। उसने आरोप लगाया कि लोकल सवारी होने के कारण हर बस वाला उन्हें बस से उतार रहा था, जिसके कारण उनको गुस्सा आ गया। ट्रैफिक जाम होने पर सदर पुलिस थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और महिला को शांत भी करवाया, लेकिन महिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की जिद करती रही। पुलिस टीम ने जबरन महिला को बस के आगे से हटाया और यातायात को बहाल किया। आपको बता दें कि कुल्लू के बंजार बस हादसे के बाद बस ऑपरेटर लोकल सवारियों को बसों में नहीं बिठा रहे हैं, जिसके चलते लोगों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल ही सफर करना पड़ रहा है। 3 बजे जाम लगा और 5 बजे तक कोई मेरे नहीं आया, ठीक है। एक लेडीज ने पूरे जाम लगा रखा कांटे में, जब उसको गाड़ी से उतार दिया गया, पक्का प्रोजेक्ट या पक्के लगाए या कोई भी उसके गेट में। धन्यवाद, यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, क्योंकि कंडक्टर ड्राइवर प्राइवेट बस में चाहे उनका किराया बढ़ाए, चाहे वो गलत गाड़ी में ले जाए, या सरकार उनको लोकल सवारी लोकल बस लगाया जाए। गवर्नमेंट की बस थी, प्राइवेट बस थी, प्राइवेट थी, और जब हम स्कूल से आते हैं ना, गवर्नमेंट बस आती है ना, तभी हम उतार देते हैं। हाँ, हम हमारे स्कूल में चलियारी में ना, वो केंद्रीय विद्यालय, तो हमें वो स्कूल एक प्राइवेट सॉरी सरकारी बस आती है ना, तो आगे वाला गेट को बंद रखते हैं, पीछे वाले गेट से वो चढ़ देते हैं।